जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मेन उद्देश्य होता है आपके बिजनेस में हो रहे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को पता करना। आज ये हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन के आधार पर हम निकालेंगे इस ट्रांजैक्शन में हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। नेट प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, नेट लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है। इसे जानकारी करने के लिए मैं पहले आपको एक ट्रायल बैलेंस दिखा रहा हूँ। इस ट्रायल बैलेंस में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 2,25,000 रुपए, सैलरी दे रखा है 37,500 रुपए, कमीशन हमें मिल रहा है 2,700 रुपए का, हम पूरे साल में जो रेंट पे किए हैं 15,000 रुपए रेंट पे किए हैं, ऑफिस की लाइटिंग में 3,750 रुपए का खर्च किए हैं, 8,400 रुपए हमने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया है, उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी में 4,500 रुपए खर्च किया है, रिपेयर मेंटेनेंस में हमने जो है खर्च किया है 6,300 रुपए, ऑफिस की लाइटिंग में हमने 3,750 रुपए खर्च किया है, एडवर्टाइजमेंट के नाम पर 8,400 रुपए खर्च किया है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी में 4,500 रुपए का खर्च हुआ है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में यानी हमने टोटल 6,300 रुपए खर्च किया एसेट्स की रिपेयरिंग के लिए, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 2,700 रुपए का, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पर हमने 13,750 रुपए पे किया है, डिस्काउंट अलाउड हमारा 3,000 रुपए का है, डिबेंचर पर हमने इंटरेस्ट पे किया 375 रुपए का, बैड डेट्स हमारे पास 3,300 रुपए का है, कैरिज आउटवर्ड जो है 1,800 रुपए का है, ट्रेवलिंग आउटवर्ड 2,775 रुपए का है, टेलीफोन का चार्ज जो है 825 रुपए का है, हमें डिस्काउंट मिला है 900 रुपए का, इंश्योरेंस का हमने 1,000 रुपए पे किया है और डिप्रिसिएशन 2,000 रुपए लगा है। ये सारा जो है हमें इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में मिला है। अब हमारा मेन मोटो ये है कि ट्रायल बैलेंस के आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को तैयार करें जिससे बिजनेस में हो रहे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगाया जा सके। इसके लिए सबसे पहले तो जो पुराना फॉर्मेट बना था इस पुराने फॉर्मेट को हमने कॉपी कर लिया। अगर आप लोग भी कहीं पर काम करेंगे तो आपको फॉर्मेट रटने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मेट को सबसे बेहतर होता है कि एक्सेल शीट पर आप बना लें, वहाँ फार्मूला लगा लें, फिर वहाँ पर उसका इस्तेमाल करें। तो मैंने कंट्रोल वी से इस फॉर्मेट में पेस्ट कर दिया। अब हमें करना क्या क्या है, इसमें जहाँ पर भी ये सब चीजें हैं वो सब चीजों को रिमूव कर देना है जिससे हम यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू भर सके। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको रिमूव कर दे रहे हैं। यहाँ पर यहाँ जहाँ पर भी एक्स एक्स लिखा है यहाँ पे यानी वैल्यू भरी जानी है, तो पहले से हम इसको सेलेक्ट करके सबको रिमूव कर दे रहे हैं। ये रिमूव हो गया एक साथ और इधर का एरिया भी हमने रिमूव कर दिया। अब हमें करना क्या है कि एक एक हेड को सेलेक्ट करना है, उसकी वैल्यू यहाँ पर ले आके भरनी। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 2,25,000 रुपए का, तो हम प्रॉफिट साइड में आएंगे और यहाँ भर देंगे 225,000, 2,25,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा सैलरी हमने पे किया 37,500 रुपए का, तो सैलरी खर्च है तो हम इधर इससे में वो देखेंगे, हमें एक लेजर मिलेगा ऑफिस सैलरी, तो यहाँ पे भर देंगे 37,500 रुपए। तीसरा जो है वो हमें कमीशन मिला 2,700 रुपए का, कमीशन मिलना एक प्रकार का इनकम होता है इसलिए हम इनकम साइड में जाएंगे और कमीशन रिसीव में भर देंगे 2,700 रुपए का। चौथा हमारा 15,000 रुपए में रेंट पे किया, रेंट एक खर्च है यानी लेफ्ट साइड में आएगा, तो हम इसमें रेंट का लेजर सेलेक्ट करेंगे और 15,000 रुपए का हम रेंट पे दिखा देंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि रेंट का लेजर कहीं से अलग से बना है, रेंट रेट एंड टैक्सेज, तो यहाँ पे हमने 15,000 रुपए रेंट रेट या टैक्सेज में हमने दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद 3,750 रुपए ऑफिस की लाइटिंग के लिए खर्च किया है, तो ऑफिस की लाइटिंग के एक्सपेंस में आएंगे और 3,750 रुपए का खर्च हम दिखाएंगे। तो लाइटिंग का एक्सपेंस यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, ऑफिस की लाइटिंग में ये कितना अमाउंट है, 3,750 रुपए। फिर से देखिए ऑफिस की लाइटिंग में 3,750 रुपए है। ठीक है, 3,750 रुपए, इसको इसी समय जो है कॉमा लगा के एडजस्ट भी करते रहिए। यस, ऑफिस की लाइटिंग हो गया, उसके बाद यहाँ तक हो गया, एडवर्टाइजमेंट में 8,400 रुपए खर्च है, एडवर्टाइजमेंट में आइए 8,400 रुपए।
उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 4500 रुपए। आप देखिए प्रिंटिंग स्टेशनरी आपको मिलेगा, आपको भर देना है 4500 रुपए, 4500 रुपए। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, फिर है रिपेयर एंड मेंटेनेंस 6300 रुपए। आप इस साइड में आइए, रिपेयर मेंटेनेंस खोजिए और यहाँ पर आपको भरना है 6300 है ना, 6300 रुपए। ठीक, नेक्स्ट आइए, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ 2700 रुपए का, इंटरेस्ट रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये कितना इंटरेस्ट मिला है 2750 रुपए, नहीं केवल 2700 रुपए। चलिए इंटरेस्ट रिसीव हो गया 2700 रुपए। रेंट पे किया आपने 15000 रुपए, रेंट तो दो दो बार दिया गया, अच्छा नहीं दूसरा। इंटरेस्ट रिसीव के बाद हमें यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर इंटरेस्ट पे किया 3750 रुपए, सॉरी 1350 रुपए। तो लेफ्ट साइड में देखना है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये 1350, डिस्काउंट आपने दे रखा 3000 रुपए का, तो इसी हेड में नीचे आ जाएगा डिस्काउंट 3000। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना हो रहा है 375 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखिए आपको कहीं मिलेगा इस हेड में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दे रखा है, नहीं है क्या, ये बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, ऋण पत्र से प्राप्त होने वाला आय कितना है 375 रुपए इनकम हो गई। अच्छा बैड डेब्ट्स 3300 रुपए, ये लॉस है 3300 रुपए। ये कितना अमाउंट है, ठीक। इसके बाद कैरिज आउटवर्ड 1800 रुपए, ठीक, ट्रेवलिंग आउटवर्ड 2775 रुपए, ये है ट्रेवल सारे खर्च यहाँ पर है। टेलीफोन चार्ज 825 रुपए, टेलीफोन एक्सपेंस नहीं दे रखा क्या इसमें, देख रहे हैं कोई हेड बना है क्या टेलीफोन एक्सपेंस को। चलिए कितना रुपए है टेलीफोन का 825 रुपए, ठीक। टेलीफोन एक्सपेंस के बाद है डिस्काउंट मिला 900 रुपए का, 900 रुपए है ना। उसके बाद इंश्योरेंस का 1000 रुपए आपने पे किया है, तो इंश्योरेंस सबसे लास्ट में होगा आपका 1000 रुपए ना, सबसे लास्ट में है आपका डिप्रिसिएशन 2000 रुपए का। अब सिंपल सारी एंट्री हो गई, सिंपल बनाने के लिए जिस हेड में पैसा नहीं उस हेड को समाप्त कर दिया जाए। जैसे देखिए यहाँ पर गोडाउन रेंट कुछ नहीं है, डिलीट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कठिन बनाने से क्या फायदा, जिस हेड में पैसा नहीं उसको नोट करने से क्या फायदा।
समझा रहे ना, जिस हेड में बैलेंस है उसको हटा दीजिए, फॉर्मेट आपका छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि हर बिजनेस में हर हेड में पैसा हो। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स से कट करके और हमने यहाँ पर एंट्री करने के बाद हम सारे सीट को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद हमें टोटल करना होगा, तो मैंने यहाँ पर 8,423 सब टोटल टोटल करते हुए चले आए तो हमें रिजल्ट मिल गया 91,500 रुपये। और यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिल गया वो 231,675। अब जैसा हमने ट्रायल बैलेंस में बैलेंस बराबर किया था वैसे यहाँ भी बैलेंस बराबर करना पड़ेगा। अब लेफ्ट साइड में वैल्यू हमारी कम है, अगर हम इधर 140,175 रुपये जोड़ दें, 140,175 रुपये जोड़ दें तो दोनों साइड का बैलेंस बराबर आ जाएगा। अब हमने इतना रुपये यहाँ पे जोड़ दिया और मेरा बैलेंस हो गया 231,675। हाँ, 231,675। ठीक है, अब इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, होम पर आ गए, बोल्ड कर दिया और यहाँ पे नरेशन लिख लिया टोटल का। टोटल ठीक है, ये टोटल हो गया, इधर भी टोटल हो गया। यानी निष्कर्ष क्या निकला, ग्रॉस प्रॉफिट मुनाफा मिला था 225,000 रुपए का, उसमें से खर्चों को घटा दिया गया 91,000 लगभग जो भी खर्चा आया था आपका, तो हमारा नेट प्रॉफिट जो निकला 140,175, यही रिजल्ट निकला। यानी पूरी समरी बनाने का मेन उद्देश्य था नेट प्रॉफिट पता करना और इस एग्जांपल के थ्रू मुझे नेट प्रॉफिट पता चल गया कि मेरे बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है वो 140,175 रुपए। इस तरह कोई भी अगर आपको ट्रांजेक्शन दे दिए जाए, कोई भी क्वेश्चन दे दिए जाए तो आप उसका नेट प्रॉफिट आराम से निकाल लें। हाँ, ये ग्रॉस प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने सारे खर्चों को घटा दिया, अब मेरा नेट प्रॉफिट बच गया 140,175। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज क्लास में आप लोग पढ़ने आए, आगे भी ऐसे पढ़ने आते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।